मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते। समय था जब संतों के संत कहे जाने वाले आसाराम बापू के लाखों की संख्या में भक्त हुआ करते थे, और आज एक समय है जब आसाराम बापू टीआरपी की रेस में दौड़ रहे कुछ चुनिंदा पत्रकारों की वजह से जनता की नजरों में गिर गए। आपको बता दें, यह पूरा मामला साल 2013 का है, जब देश के कुछ चुनिंदा पत्रकारों ने टेलीविजन पर बैठकर आसाराम बापू के साथ एक नाबालिग बच्ची का नाम जोड़कर उसका चरित्र हरण किया था, जिसके बाद जन जागरण मंच के लोग इसका विरोध करते हुए इन पत्रकारों को कोर्ट तक घसीट ले गए। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत इन पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराया, और अब इस मुकदमे को लेकर गुरुग्राम कोर्ट में आज ये सभी पत्रकार पेश हुए हैं। देखिए इन बड़े पत्रकारों को, जिनके माथे पर न तो कोई शिकन है और ना ही अपनी करनी का पश्चाताप। टेलीविजन पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये पत्रकार एक तरफ जहां सच्ची खबरें दिखाने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टेलीविजन पर बैठकर एक नाबालिग का चरित्र हरण कर रहे हैं। और उसके साथ ही चित्रा त्रिपाठी, सुहेल दीप तंजुम जो लोग हैं, एक नाबालिग बच्ची की इज्जत को इन्होंने तार तार किया, और एक संत की छवि को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने अपने टीआरपी के होड़ में और पैसे के लालच में आकर गलत सलत वीडियो बनाए, और वो प्रूफ भी हो गया। जो है पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, ये पास्को के अपराधी हैं। दूसरे के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इनके ऊपर जब खुद पड़ा हुआ है तो क्यों नहीं पुलिस इनको गिरफ्तार कर रही है सरकार। गुरुग्राम कोर्ट में आज इन चुनिंदा पत्रकारों की पेशी होनी थी, और ऐसे में देखिए ये जन जागरण मंच के लोग, जो इन पत्रकारों के खिलाफ हाथों में बैनर और पोस्टर लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, बापू जी की सबको अधिक है, सब पराजित हो सब हार नहीं सकता, सबको अधिक रहते हो। आज हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें न्याय पाना चाहते हैं, क्योंकि नाबालिग लड़की के केस में जिन्होंने मीडिया कर्मियों ने उसको तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया था अपनी टीआरपी के लिए, आज हम उसी के न्याय के लिए यहाँ कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं। क्योंकि दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, शहीद सोहेल और अन्य इनके सभी आरोपी जो LBW पे थे, वो भी आज हाजिर होना है, और हम सरकार से और मतलब न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले। टेलीविजन पर बैठकर बोलती बंद करने वाले ये पत्रकार आज गुरुग्राम कोर्ट में खड़े हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, लेकिन ये भारतीय न्याय प्रणाली की खूबसूरती है जनाब, जहां राजा हो या रंक, सबको सर झुकाना ही पड़ता है। देखिए दीपक चौरसिया आज एक नाबालिग बच्ची के चरित्र हरण के मामले को लेकर गुरुग्राम कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट में हम तो यहाँ पे देखो अजय, हम तो यहाँ पे जो एज ए जन जागरण मंच के माध्यम से यहाँ पे कोर्ट में आए हुए हैं, और हम तो सच्चाई के साथ हैं। कोई भी किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, हरासमेंट करता है, और कानून, जो कानून को जिस तरह से इन्होंने अपने कठपुतली समझ रखा है कुछ पत्रकारों ने, कि हम नामीग्रामी पत्रकार हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। और अगली जो तारीख है 20 मार्च मिली है, 20 मार्च में इन पर इनके चार्ज पर बहस होगी, और इनकी अभी हमें संतुष्टि इस बात की है कि कोर्ट की प्रक्रिया सही ढंग से सही दिशा में चल रही है, और जल्दी जल्दी डेटें इसमें दी जा रही हैं, जिससे कि इन्होंने जो एक जघन्य अपराध किया था कि एक नाबालिग बच्ची की इज्जत को तार तार करने का और एक महान संत की छवि को धूमिल करने का ड्यू टू सम पॉलिटिकल गेंस और अदर बेनिफिट्स, तो इनका जो गलत इनका कारनामा था उनकी सजा इनको मिलकर रहेगी, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। और केवल यही नहीं, दीपक चौरसिया के साथ चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम आज गुरुग्राम कोर्ट में पेश हुए हैं, जिन पर गुरुग्राम कोर्ट का हंटर चल सकता है।
हालांकि पीड़ित पक्ष इस उम्मीद में है कि उन्हें न्याय मिलेगा। उनको एग्जेम्पशन नहीं मिली है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्राइमा फिशाई कोर्ट ये मान रहा है कि आपने गलत किया है छोटी बच्ची के साथ, उसकी इज्जत को तार तार किया है आपने अपना मीडिया का स्टंट बनाते हुए अपनी TRP को रेज करने के लिए। इतना बड़ा पत्रकार मैं बोलती हूँ, अगर आप सच्चे पत्रकार हैं और अपने आप को एक नामी गिरामी चैनल का पत्रकार मानते हैं तो आपको स्वयं आकर अपनी जो है गिरफ्तारी देनी चाहिए। आप तो भाग रहे हैं, आप तो हाईकोर्ट जा रहे हैं, आप एग्जेम्पशन की तरफ जा रहे हैं, आप ट्रायल में आने के लिए अपनी एग्जेम्पशन मान रहे हैं कि मुझे यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। कैसी रिपोर्टिंग करनी है? किस तरह से आप मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है? मीडिया को इस तरह के रिपोर्टर्स अगर होंगे तो आजकल के बच्चे क्या सीखेंगे उनसे कि एक इज्जत से बच्चे की तार तार करके उसको ये रिपोर्टिंग कहा जाता है? क्या इसको हम आईना दिखाएं लोगों को? क्या ये कहा जाए? आपको हाईकोर्ट जो है कोई राहत नहीं दे रही है, आपके बेल बॉन्ड जब्त हो रहे हैं, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है, क्या ये करारा चमाटा नहीं है इन पत्रकारों के ऊपर? अगली तारीख 20 मार्च को तय की गई है और ये सारे पत्रकार आज हाजिर हुए। लेकिन जिस तरह तारीख पे तारीख आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए उनकी आशा कहीं ना कहीं आशंकित होती नजर आ रही है। और ऐसा कानून भी कोई चीज़ है, संविधानिक कोई चीज़ है, लेकिन ये बार बार तारीख, बार बार इनको बेल मिलना, बार बार इनको मुचलका भरना, बार बार बॉन्ड भरना, इस तरह की ये साबित कर रहा है कि ये कहीं कहीं दोषी हैं। और दीपक चौरसिया हर तरह से हाथ पैर मार रहा है और प्रशासन से भी मदद की उम्मीद रखता है और प्रशासन इसका मदद कर रहा है, नहीं तो अब तक इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। जिस तरह से इसका अपराध जो है सिद्ध हो चुका है और इसके चलते इसने जो है हाईकोर्ट में भी जाके चंडीगढ़ में इसने एप्लीकेशन लगाया कि हमें जो है बेल दी जाए और हमें जो है कोर्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें पेश ना होना पड़े, लेकिन इस चीज़ को जो है हाईकोर्ट ने खारिज किया और दीपक चौरसिया के ऊपर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इसलिए दीपक चौरसिया के ऊपर ये अपराध सिद्ध हो रहा है और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और प्रक्रिया जो चल रही है उसके हिसाब से हमें उम्मीद है कि कोर्ट इसको एक न एक दिन सजा जरूर मिलेगा। आप ये जो प्रणाली चलती है कानून की वो धीरे धीरे चलती है। फिलहाल गुरुग्राम कोर्ट ने 20 मार्च को अगली तारीख तय की है। देखिए मैम, जैसा कि आपको पता है कि पिछली तारीख पर दीपक चौरसिया के ना आने की वजह से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है कोर्ट ने कर दिए थे और उसके बाद वह जो है पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है वहाँ पर जाकर उसने अपने जमानत की जो याचिका है वहाँ पर लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने वहाँ पर उसको 2 लाख रुपए का जुर्माना किया और उसी की कंप्लायंस में वह आज यहाँ पर जो निचली अदालत थी कोर्ट की उसमें आज उसने अपने बेल बॉन्ड को फर्निश किया है और बेल बॉन्ड को फर्निश करते हुए जो निचली कोर्ट है उसने जो 1 लाख की जो जब्ती कर दी और बढ़ाकर जो उसके बेल बॉन्ड के जो 1 लाख से 2 लाख रुपए जो भी नए जो जमानत के जो लिए उसको अलग से देने के लिए बोला गया है। इसके अलावा जो पुलिस की अधूरी जो प्रक्रिया इसके पहले जो चल रही थी जिसमें उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ में जो अपने वह जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे थे वह कंप्लेनेंट के काउंसिल के द्वारा जो एप्लीकेशन लगाए गए थे कि उन्होंने कम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आज उन्होंने देकर अपने एक डॉक्यूमेंट सप्लाई कर दी है और जिसके बाद कोर्ट ने उनको संज्ञान लेते हुए जो है कंप्लेनेंट को नोटिस करा गया है। इसके अलावा जो तीसरी जो चीज़ है कि जो चार्ज पर इस तारीख पर बहस होना था जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इसकी फर्दर जो आगे की प्रक्रिया है वह अगली तारीख जो कि 20 मार्च लगाई गई है। अब देखना यह होगा कि इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे इन लोगों को आखिर 20 तारीख को न्याय मिलेगा या ये लोग न्याय की उम्मीद लगा न्यायालय से फिर वैसे ही वापस लौट जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।